छः महीना पहले तक तो ललन सिंह हर महीने के अंतिम रविवार को टीवी रेडियो खोल कर मन की बात सुना करते थे। सुशील जी बताएं, कभी उनके साथ देखे हैं क्या बैठ के? और छह महीने में मन की बात खराब हो गया। अभी हम मन की बात देखते ही नहीं, इसलिए कि मन की बात क्या होती है जी? देखिए, सुशील मोदी जी छपास रोग से ग्रसित। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव स्टडीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि ये वही हैं जो छह महीने पहले तक रेडियो पर बैठकर मन की बात सुनते थे, जिसको लेकर ललन सिंह ने साफ कह दिया है कि इनको लगता है सुशील मोदी को अब छपास की बीमारी हो गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है जो ये झूठ जो बोलते हैं लोग, जिसका जो गिरोह है उसके ये सरगना हो गए हैं। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पूरा बयान सुने आप। छः महीना पहले तक तो ललन सिंह हर महीने के अंतिम रविवार को टीवी रेडियो खोल कर मन की बात सुना करते थे, और छः महीने में मन की बात खराब हो गया। अरे, दुनिया के इतिहास में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया मन की बात ने कि एक प्रधानमंत्री कोई राजनीतिक बात नहीं करता है। देखिए, सुशील मोदी जी छपास रोग से ग्रसित है। इसे छात्र नेता नहीं होता है, उसको रोज कुछ ना कुछ छपना रहता है। वही हालत है सुशील मोदी जी। और हमको लगता है कि जो असत्य बोलने वालों का जो एक गिरोह है, उस गिरोह के सरगना है वो। आज तक मैंने कभी मन की बात नहीं देखा। सुशील जी बताएं, कभी उनके साथ देखे हैं क्या बैठ के? कभी हम मन की बात देखते ही नहीं, इसलिए कि मन की बात क्या होती है जी? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश की बात ना करिएगा। सॉरी सर, आप मन की बात कर रहे हैं, क्या है आप? हम मैंने कोई स्वामी हैं, मठ चला रहे हैं? अरे, देश में। और हमने क्या क्या हमने कहा है कि मन की बात में अगर इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं तो देश की ज्वलंत समस्या है महंगाई, देश की ज्वलंत समस्या है बेरोजगारी, तो सुशील जी को बताना चाहिए कि भाई हमने 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, तो उस पर तो कुछ बोलना ही ना। उनको तो प्रतिक्रिया ये ना देनी चाहिए थी कि ललन जी ने जो सवाल उठाया वो गलत है कि सही है, तो महंगाई है कि नहीं है ये बोलिए, बेरोजगारी इस देश में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, इस देश की सारी जो सरकारी सेवाएं हैं उस पर नियुक्ति पर रोक है, उसमें बोलिए, प्रतिक्रिया दीजिए। भाई, निजीकरण इस देश का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस देश के सारी जगहों का निजीकरण कर रहे हैं, हवाई अड्डा, नेशनल हाईवे, प्लेटफार्म, पोर्ट, सारा का निजीकरण कर रहे हैं, तो इस पर ना बोलिए कि निजीकरण कर रहे हैं कि नहीं, और निजीकरण कर रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए ना सुशील जी। 81,000 करोड़ रुपया का कॉरपोरेट घोटाला हुआ इस देश में। हमने ये सवाल पूछा है ना कि देश के प्रधानमंत्री का यह भी दायित्व तो है कि नहीं है कि देश की जो ज्वलंत समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, निजीकरण है, कारपोरेट घोटाला, इस पर भी कुछ बोलिएगा। मन के अंदर कुछ आता है, अगर मन के अंदर कोई भावना नहीं उठ रही है तब तो अलग बात है। तो आपने साफ सुना किस तरीके से ललन सिंह का कहना है कि इनको लगता है छपास की बीमारी हो गई है, और साथ ही साथ जो गिरोह चलता है ना झूठ बोलने का, उसके ये सरगना हो गए। आज तक कभी हमने मन की बात नहीं सुनी है, कभी सुशील मोदी के साथ बैठ के सुन रहे थे क्या? कुछ भी बोलते रहते हैं। तो देखना है जिस तरीके से सुशील मोदी के बयान पर कटाच भरे शब्दों में ललन सिंह ने पलटवार किया है, क्या आने वाले समय में बीजेपी किस तरीके से इसको देखती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अलसल कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।